कार्यालय गया था, लेटर पैड इशू हो गया था, तो उसके बाद भी जब सर्विस टंडन ने ये बोला था कि यहाँ नहीं हो सकता था, तो वहाँ भी दीदी ये बोली थी, उन्होंने कहा अगर यहाँ नहीं होगी तो मैं आपको अमेरिका भेजूंगी, दिल्ली से आपको घर नहीं भेजूँगा, उन्होंने ये वादा किया था कि मेरे कार्यालय करेंगे, लेकिन घटना ठीक होगा चाहे यहाँ ठीक होगा चाहे अमेरिका में ठीक होगा। हम लोगों की जिसे नाइन्थ में थे तभी एक सोच थी, ओनली फोर्स। हाई स्कूल कंप्लीट हुआ, उसके बाद भर्ती देखना स्टार्ट किए, पहले ही भर्ती देखे थे तो दौड़ नहीं निकले, फिर और शौक बढ़े और जुनून बढ़ा, का एक जैसे फिजिकल था और एक वीक बाकी था, तो सब लोग बताते थे कूद लोगे, कोई दिक्कत थी नहीं, कोई दिक्कत है नहीं, लॉन्ग जंप 18 फिट कर लेते थे, अब हाई जंप 4.5 फिट थे, एक बार रस्सी लगा, एक दिन रस्सी लगी तो कूदे तो बार बार रस्सी में फंस जाते थे, क्योंकि जब आदत नहीं थी फंस जाते थे। तो दूसरी बार एक थे मित्र, उन्होंने ट्रिक बताई कि जंप करो पहले कहुआ और ये बाटी पड़ने चाहिए, नहीं फ्लैट पड़ा, पैर ही पड़ गया, और पैर पड़ गया तो पैर तुरंत राउंड ले लिया, एक घुटना बाहर निकल गया था, स्पेशलिस्ट थे उन्होंने तुरंत माइनर सर्जरी की, प्रोसीजर करते करते 1.5 महीने तो प्लस्तर बांधे, बेड पे पड़ा था, थक थे पे एक करवट, इतनी दिक्कत होती थी कि रात में नींद की गोलियां पड़ते थे, एमआरआई कराने गए मेडिकल कॉलेज, तो वहाँ यहाँ इनको मैं दिखाया तो इन्होंने कहा ऐसे ACL नहीं था, तो वहाँ बातचीत हुई, तो उन्होंने ये बताया कि स्पोर्ट नहीं कर सकते, दौड़ा पूरे जीवन नहीं सकते। 2017-13 मार्च को मैं दिल्ली गया दीदी के कार्यालय, तो वहाँ दीदी के कार्यालय से गया तो वहाँ लेटर पैड इशू हुआ, 17 तारीख को 9 बजे मेरा ऑपरेशन हुआ, 1 घंटा 35 मिनट लगी थी सर्जरी करने, सर्जरी करने के 3रे दिन बाद मुझे 500 कदम चला दिया, जब पैर रखा तो बिल्कुल पेन मुझे नहीं, उस समय बिल्कुल पेन नहीं हुआ, मैं 500 कदम चला तब भी, उसी दिन मुझे भरोसा हो गया कि मैं फ्री हूँ। दीदी को तो धन्यवाद देना चाहेंगे, धन्यवाद हम दिए भी थे, धन्यवाद उनको बार बार देना चाहेंगे, श्रेय तो उन्हीं का, दीदी तो वही बनी थी।